हाय गाइस, वेलकम टू आस्क एमबीए। आज के हमारे वीडियो में अजय सर हमारे साथ हैं, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि 3 months टू कैट, हम इस पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन को रखना चाहिए। स्टूडेंट की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर ये 3 महीने जो बचे हैं हमारे पास, इनमें हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, किस तरीके का प्रिपरेशन होना चाहिए, कितने मार्क्स देने हैं, कितने टेस्ट देने हैं, चीज़ों को किस तरीके से रखना है। बेसिकली उनके दिमाग में ये सारे डाउट्स हैं, तो सर इस चीजों के बारे में बताइए कि स्टूडेंट इन चीजों को टैकल कैसे करें। ठीक है, पर्टिकुलर अगर किसी सेक्शन के बारे में बात करें, कॉन्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉन्ट में अभी जो डीप लेवल का स्टडी था उसका टाइम तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो हमने पहले वीडियो बनाया था 6 month 4 month का प्रॉपर वीडियो बना के डाला है, उसमें हमने प्रॉपर हर एक टॉपिक में हर एक सेक्शन का कितना कितना टाइम देना चाहिए डेली प्रिपरेशन के लिए वो बना के रखा था। लेकिन अभी जो हमारे पास जो एक क्रूशियल टाइम बचा है 3 महीने का, उसमें आपको हर एक टॉपिक स्टडी करने का टाइमिंग नहीं है, क्योंकि कैट में आपको हर एक सेक्शन टाइम वाइज सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट की अगर बात करें तो आप लगभग 22 क्वेश्चन 40 मिनट में अटेम्प्ट करने वाले हो, तो प्रैक्टिस में भी हमें वही लाना है कि 22 क्वेश्चन हम 40 मिनट में कैसे कर पाए। अब ओवरऑल 22 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो प्रैक्टिस में भी आपको, फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक के आपको प्रैक्टिस करना है कि अर्थमेटिक में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो हर साल लगभग एवरेज 10 से 11 क्वेश्चन शायद अर्थमेटिक से आते हैं। So, अगर आप अर्थमेटिक से पूरा सेक्शन देख पा रहे हो, पूरा का पूरा 22 में से अगर अर्थमेटिक आ रहा है, तो सबसे पहले कॉन्ट्स में आपको अर्थमेटिक में फोकस करना होगा। तो अभी अगर आप एक डेली स्केड्यूल के बारे में सोच रहे हो, तो 1 तारीख से इस सितंबर से अगर आपने सोचा है कि भाई मुझे कैसे स्टडी करना है, क्या करना है, तो पहला काम तो ये है कॉन्ट्स में आपको अर्थमेटिक पे एक अच्छे लेवल पे फोकस करना है। मतलब अगर कैट में 10 questions आ रहे तो आपको 10 questions डेली लेवल पे सॉल्व तो करने ही करने हैं, वो भी टाइम लगा के 40 मिनट लगा दो या तो 20-25 मिनट लगा दो, जो आपको लगाना है, लेकिन टाइम लगा के सॉल्व करना है। क्योंकि सर ऐसा है कि सॉल्व करना अलग चीज है और वही क्वेश्चन टाइम में सॉल्व करना बहुत डिफरेंट है। अब चीज ये है कि हम लोग यहाँ पे टाइम पे फोकस नहीं करते, तो रिलैक्स रहते, थोड़ा 10 मिनट में गया तो चलेगा। लेकिन वही कैट में जाके हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं जो क्वेश्चन हमने विदाउट टाइम सॉल्व किया है वही क्वेश्चन में प्रेशर लेके सॉल्व करना, तो ये प्रैक्टिस ही नहीं है, तो होगा कैसे? तो फिलहाल तो कॉन्ट्स में आपको यही करना है कि जो आपको आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग जो आपके एरियाज है उस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, जिसमें अर्थमेटिक आपका आता है। सो अर्थमेटिक के 10 questions हो गए कॉन्ट के लिए। उसके अलावा प्लस अगर आपको करना है तो अल्जेब्रा आप उठा सकते हो कॉन्ट्स में। अल्जेब्रा का स्टडी सर ऐसा है कि अल्जेब्रा कोई परसेंटेज ऐसा ऐसी है, प्रॉफिट एंड लॉस जैसा नहीं कि आपको नेक्स्ट स्टेप पता चल जाएगी। अल्जेब्रा इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एक्स और या तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो सकता है, तो वो तो आपको अप्रोच से ही पता चलेगा। सो ये चीज मत करो कि जैसे आप परसेंटेज में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अल्जेब्रा में सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन से भी पता चलता है, हमने जो क्लासेस में पढ़ाया या बाकी जगह पे जो मिलता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन क्वेश्चन में जो कंसेप्ट मिलेगा वो अलग है। ठीक है, तो आपको अल्जेब्रा का फिर स्टडी कैसे करना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको अल्जेब्रा का हर एक क्वेश्चन स्टडी करना है, rather than wasting your time on understanding the question. Question 2 minutes में अगर आपको समझ में नहीं आया तो समझ लो सर 10 minutes में भी समझ नहीं आएगा। ये फंडा है, बेसिक फंडा है, तो 10 मिनट उसमें वेस्ट क्यों करना है? उससे अच्छा 10 मिनट उसके सोल्यूशन पे वेस्ट करो। correct, correct. उसे हम बोलेंगे इन्वेस्ट करो, ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चन को समझो, उसका सोल्यूशन कैसे आ रहा है। सो अगर आपने अल्जेब्रा और अर्थमेटिक भी ये दोनों भी अगर अच्छे से कर लिया आने वाले 2 महीने में, तब भी कॉन्ट में आपको शायद कितना सर करेक्ट चाहिए 90% के लिए, 99% आपको उसके प्रोसेस पे भी फोकस करना पड़ेगा ताकि आप सीखें वहां से, बिकॉज वी हैव a small amount of time to invest in your studies, जहाँ पे आप उस process को सीखो ताकि आप वही से implement कर पाओ examination। तो सर अगर हम second section की बात करते हैं, DLR section की, तो उसमें क्या approach होना चाहिए हमारा? सर देखो DLR के तो limited sets आते हैं, हर साल आपको ऐसा भी हो सकता है, इस पे मत, इस चक्कर में मत रहना कि DI के set आएंगे आधे और LR के set आएंगे आधे, it depends, जैसे Calcutta आपका exam set कर रहा है, हो सकता है आपको सारे sets DI के मिल जाए, एक ही set LR का मिल जाए, तो आपको logically डिपेंड करना है दोनों चीजों पे, अच्छे से आपको स्टडी करके जाना है। और DLR का एक ही फंडा है कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी था, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप डेटा को कॉम्प्रेंड नहीं कर पाओगे, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हो, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश पेपर हमने साथ में रखा, जैसे हमने मराठी या हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ा तो न्यूज़पेपर के हेडिंग से पता चलता है कि कंटेंट में क्या दिया है, इसका रीजन क्या, क्योंकि वो लैंग्वेज हमें अच्छे से समझ में आता है,
हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये देखना है कि ये सेम चीज आपका किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ, फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ या इकोनॉमिक्स टाइम्स के साथ होता है क्या? जैसे हेडिंग पढ़ा, हेडिंग पे ही आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग अभी भी पीछे है। तो अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है तो फिर LRODA का इश्यू होने वाला है, क्योंकि वहां पे डेटा आपको बस डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको सारा डेटा ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा क्योंकि जंबल डेटा है सब कुछ आपको, तो रीड करके लॉजिक लगा के फिर आपको डेटा को एक्स्ट्रा करके आंसर करना है वहां पे। सो मेरे हिसाब से अगर आपको DA में और अच्छा स्कोर करना है तो अभी भी टाइम नहीं। जैसे मैंने आपको कॉन्ट का एक अच्छे से करके दिया है कि क्या कर सकते हो, तो DI का बस एक दो सेट अगर भी डेली हमने करे, दो सेट वो भी टाइम लगा के, कैट में हमें 5-6 मिनट में एक सेट करना होता है, यहाँ पे आप लोग 10 मिनट ले लो, लेकिन डेली 10 मिनट DI का एक सेट ट्राई करो। DI का हर एक सेट में सारे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, DI में एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो लगेगा आपको ईजी है लेकिन वो टाइम लेके जाएगा, क्योंकि वो होता ही है कॉम्पिटिशन कम करने के लिए। सो जरूरी नहीं कि DI इजी है तो उसके हर एक क्वेश्चन इजी रहेंगे, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा समझ के उसको आंसर्स करना चाहिए। सो DI का एटलीस्ट एक सेट तो भी अगर सर आप डेली करें, प्लस LR का भी वही करना है, LR का भी अगर डेली एक सेट भी आज अच्छे से सोच समझ के सॉल्व करें तब भी DLR में थोड़ा सा स्पीड बढ़ने के चांसेस है। करेक्ट करेक्ट। तो सर ने सजेस्ट किया आपको कि LRDI के लिए आप डेली बेसिस पे दो सेट आपको सॉल्व करने हैं, एज वेल एज द सेकेंडरी थिंग दैट सर सजेस्टेड कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, इससे आपको DLR में भी हेल्प मिलने वाली है, कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प मिलने वाली है, और यही चीज आपको RC में भी हेल्प करेगी, बिकॉज ओवर देयर आपके पास अराउंड 14-15 क्वेश्चन विल बी देयर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि दैट इज प्योरली ऑफ रीडिंग, आपको वहां पे रीड करना है, समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यही न्यूज़पेपर रीडिंग और एनीथिंग एल्स, एनी स्टडी मटेरियल और लेट्स से मैगजीन्स और समथिंग, इफ यू रीड दैट थिंग तो वो चीज आपको हेल्प करने वाली है कॉम्प्रिहेंशन में फॉर श्योर। तो इन चीजों को आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट करो एग्जामिनेशन में। और थोड़ा अगर आपको शॉर्टकट्स के बारे में जानना है तो सर हम लोग आस्क MBA के दोनों हमारे वाशी और ठाणे सेंटर में वर्कशॉप्स अरेंज करने वाले, तो वीडियो के एंड में हम लोग लिंक भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में तो अवेलेबल होगा। तो बस आपको वहाँ पे अपना नाम जो भी डालना है वो डाल दो, एड्रेस भी डालना है, सेंटर कौन से आना है आपको, वाशी आना है या ठाणे आना है, मोस्टली ठाणे में हम लोग कंडक्ट करेंगे, लेकिन दैट डिपेंड्स आप कौन सा सेंटर सिलेक्ट कर रहे हो। तो वर्कशॉप का टारगेट यही है कि आपको आने वाले कैट में DI कैसे हैंडल करना है, वर्बल कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बच्चे कुछ 2-3 महीने में जितना हो सकता है उतना हम ट्राई करेंगे, शॉर्टकट्स पे भी बात करेंगे, लेकिन मोस्टली यही होगा कैट का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट थिंग्स विल बी कवर्ड अप इन दिस अपकमिंग वर्कशॉप। एग्जैक्टली। सो कैट स्ट्रेटजी वर्कशॉप है गाइज ऑन एवरी अपकमिंग सैटरडे, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज फिल द फॉर्म दैट विल्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।